सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी का विषय है कि सोच बदल देने से ज़िंदगी बदल जाती है चलिए सुनते हैं आज की ये साखी सात संगत जी पुरानी बात है एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांझ कर और सिलाई करके किसी न किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था तो एक दिन उसके अध्यापक ने उसे एक पत्र देते हुए कहा तुम इसे अपनी माँ को दे देना उसने घर आकर वह पत्र अपनी माँ को दे दिया उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी बेटे ने माँ को पूछा माँ इस पत्र में क्या लिखा है तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है इसका दिमाग भी सभी बच्चों से तेज है हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके इसीलिए आप इसका दाखिला किसी और स्कूल में करवा दीजिए ये सुनकर वह लड़का खुश हो गया साथ ही साथ जो उसका आत्मविश्वास था कॉन्फिडेंस था वो भी बढ़ गया वो लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि शायद उसके पास कुछ खास है जिसके कारण वो इतना बुद्धिमान और त्रिव बुद्धि वाला है अगले ही दिन लड़के की माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करवा दिया उस लड़के ने मन लगा कर पढ़ाई की और एक दिन वो लड़का अपनी मेहनत के दम पर सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था वो पास कर पाया उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और एक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण एक दिन अचानक से ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई उस लड़के को अपनी माँ से बहुत लगाव था वो बहुत ही रोया तभी अचानक से उसने माँ की अलमारी खोली और माँ के सामान को देखने लगा तभी उसकी नज़र एक पत्र पर पड़ी। ये वही पत्र था जो अध्यापक ने उसकी माँ को देने के लिए उसे कहा था जब उस लड़के ने उस पत्र को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सातसंगत जी उस पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है और ये खेल कूद में भी इतना अच्छा नहीं है जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उसी तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा इसीलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं आप इसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए नहीं तो घर रहकर इसे पढ़ाइए साथ संगत जी इस कहानी से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पत्र पढ़कर उसकी माँ ने अपने बेटे की सोच बदल दी ठीक उसी प्रकार से आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही कुछ अच्छा और सकारात्मक सोचिए क्योंकि जो सोच होती है वो तो ज़िंदगी बदल कर रख देती है साथ संगत जी एक व्यक्ति बहुत दिनों से कुछ परेशानी में चल रहा था जिसकी वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ा और क्रोध में रहने लगा था वो व्यक्ति हमेशा इसी बात से परेशान रहता कि घर के सारे खर्चे उसको ही उठाने पड़ते हैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर पर आना जाना लगा ही रहता है उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है आधी आधी इन्हीं बातों को सोच सोच कर अक्सर वो काफ़ी परेशान रहता था अपने बच्चों को डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था तो इसी तरह से समय बीतता गया एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहने लगा पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए अब वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था इसीलिए उसने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया उस समय उसने देखा कि उसका बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था और बच्चे के हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी उसने धीरे से वो कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाही तो उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी उस होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया बच्चे ने लिखा था मैं अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरुआत में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी में ठीक कर देती हैं मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त राजू के पिता तो इस दुनिया में ही नहीं हैं बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसा अचानक से नींद से जागा हो उसकी सोच बदल गई बच्चे की लिखी हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी खासकर वो अंतिम वाली लाइन उसकी नींद उड़ गई थी फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं इसका मतलब है कि मेरे पास घर तो है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है दूसरी बात मुझे पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है इसका मतलब ये है कि मेरा परिवार है मेरी पत्नी है बच्चे हैं ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं होता और जो दुनिया में बिल्कुल अकेले होते हैं मेरे घर पर कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है इसका मतलब ये है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग भी हैं मैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हूँ इसके मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मेरे पास अच्छा वेतन आता है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोज़गार हैं या पैसों की वजह से जो लोग बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित हैं हे hey, मेरे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ़ करना मैं तो तेरी कृपा को पहचान ही नहीं पाया इसके बाद से उस व्यक्ति की जो सोच थी वो एकदम बदल गई उसकी सारी परेशानियां सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो गईं वो एकदम से बदल सा गया वह व्यक्ति भागकर अपने बेटे के पास गया और अपने सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा भगवान को वो धन्यवाद देने लगा साथ संगत जी हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तो हमारी सोच जो होगी वो एकदम से बदल जाएगी हमारी सारी चिंताएं सारी परेशानियां सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा था उसके पैरों के पास टोपी रखी थी पास में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था कि मैं अंधा हूँ मेरी मदद करो उसके पास जो टोपी पड़ी थी उसमें केवल कुछ एक सिक्के थे वहाँ से गुजरता हुआ एक आदमी यह देख रुका उसने जेब से कुछ सिक्के निकाले और टोपी में गिरा दिए फिर उसने बोर्ड को पलट कर कुछ शब्द लिखे और फिर वो वहाँ से चला गया तो इसके बाद उस लड़के की टोपी भरनी शुरू हो गई अधिक से अधिक लोग उस अंधे लड़के को पैसे देने लगे दोपहर तो को बोर्ड बदलने वाला आदमी फिर वहाँ आया वो ये देखने के लिए आया था कि उसके शब्दों का वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा अंधे लड़के ने उसके कदमों की आहट पहचान ली और पूछा कि तुम मेरे बोर्ड पर सुबह क्या लिख कर गए थे उस आदमी ने कहा कि मैंने केवल सच लिखा था मैंने तुम्हारी बात को एक अलग तरीके से लिखा मैंने लिखा था कि आज एक खूबसूरत दिन है और मैं इसे देख नहीं सकता सात संगत जी आपको क्या लगता है क्या पहले वाले शब्दों का मतलब और बाद वाले शब्दों का मतलब एक ही नहीं है बेशक दोनों संकेत लोगों को बता रहे थे कि लड़का अंधा है लेकिन पहला संकेत इतना बता रहा था कि लड़का अंधा है जबकि दूसरा संकेत लोगों को ये बता रहा था कि लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वो अंधे नहीं हैं क्या दूसरा बोर्ड अधिक प्रभावशाली नहीं था इसलिए जो कुछ भी है हमारे पास उसके लिए हमें भगवान का आभारी होना चाहिए रचनात्मक रहना चाहिए अलग और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए लोगों को अच्छी चीज़ों की तरफ समझदारी से आकर्षित करना चाहिए जीवन हमें अगर रोने का एक कारण देता है तो हमारे पास हंसने के दस कारण हैं बस अपनी सोच को बदलिए अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार